नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्द विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानन्दम् ईश आळंदी वल्लभं माधुर्यरसकल्लोळां शिवशक्तिकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीं। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले हो। राधे राधे मन बोले, मन में अमृत रस घोले। तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तो साधना। तू ही मेरी आराधना, प्रेममयी है तो साधना। तू जो घूंघट पट खोले, मन में अमृत रस घोले हो। राधे जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। जीवन में फिर क्या बाधा है, संग जो मेरे तू राधा है। निर्धन का तो धन है राधा, निर्धन का तो धन है राधा। प्रेम के इस अनमोल रतन को कौन तुला में तोले। मन में अमृत रस घोले। जय श्री राधे। आप सभी को आज श्री राधाष्टमी श्री जी के प्रागट्य महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। हम सबकी प्राण संजीवनी, जीवन आधार भगवान श्री कृष्ण गोविंद शक्ति की अल्हादिनी स्वरूपा स्वयं श्री राधा रानी के प्रागट्य अवतार की आज हम सबको इतनी प्रसन्नता है कि वो प्रसन्नता भाव से, हृदय से, वाणी से, शरीर के कण कण से अभिव्यक्त हो रही है। और आज का दिवस आनंद को जिसने गोविंद रूप में लाया, आज के दिवस वृंदावन का कण कण जिनके होने मात्र से आह्लादित हो गया, आज का ये परम पावन दिवस अष्टमी, यह पावन मुहूर्त तिथि जिनके उदित होने मात्र से, जिनके यहाँ इस धरती पर आने मात्र से सदा सदा के लिए प्रेम की धारा बही। ना होते श्री जी, ना होते लाल जी, तो कहाँ पता चलता कि क्या है प्रेम। एक स्थान पर जब कृष्ण कृष्ण नहीं रहते, राधा राधा नहीं रहते, एक दूसरे को सुख देने वाले, ये दोनों हटकर केवल प्रेम रह जाता है, वो प्रेम की महानता का आज का दिवस है। आज वो कहते हैं ना कि राधा न होती तो वृंदावन वृंदावन ना होता। कान्हा तो होते, बंसी भी होती, पर वंशी में प्राण ना होता। वंशी में जो प्राण है वही जीवन मूरी सबकी श्री राधा जी, जिनके नाम मात्र से बहती विपरीत विचारों की धारा जो सहज ही अपने उगम स्रोत कृष्ण की ओर आकर बहती है, वे श्री राधा। अपने उगम से विरुद्ध की ओर बढ़ने वाली जो है वो धारा, और अपने उगम से अपने ही उगम की ओर जो ले जाने वाली है वो श्री राधा जी के प्रागट्य महामहोत्सव की ये धारा। वस्तुतः स्थान स्थान पर हमने देखा कि श्री राधा जी के प्रागट्य लीला की या फिर श्री राधा जी की कथा को बड़ा संक्षिप्त तथा इतना प्रचलित नहीं है ऐसा गाया जाता है। स्वाभाविक ही भगवान श्री कृष्ण की आह्लाददायिनी शक्ति, संतों ने जिनका नाम उजागर किया, सुखदेव जी महाराज ने
श्री राधा जी का नाम नहीं लिया श्रीमद् भागवत में, ऐसे कई लोग कहते हैं, तो केवल सुखदेव जी महाराज जी ने राधा जी का ही नाम नहीं, तो किसी गोपिका का नाम नहीं लिया। राधा जी ने ही आज्ञा नहीं दी, स्वयं श्री जी ने आज्ञा नहीं दी कि नहीं किसी भी गोपिका का नाम मत लिखो, नाम नहीं कहना है, क्योंकि गोपिका का अर्थ ही है जो हर इंद्रियों से कृष्ण रस पान करती है, जो कर्ण से कान से केवल कृष्ण सुनती है, मुख से केवल कृष्ण कहती है, नेत्रों से कृष्ण देखती, जिनका जीवन संपूर्ण कृष्ण के आसपास इर्द गिर्द आसपास ही नहीं, जिनका जीवन ही कृष्ण में हो गया है, यही गोपिका। तो किसी भी किन्हीं भी गोपिका का नाम सुखदेव जी ने लिया नहीं, राधा जी का ही नहीं लिया, तो किसी का भी नहीं लिया, पर संतों ने उसे उजागर किया। और जहाँ हम बार बार सुनते आए हैं, हमें पता है कि श्री राधा वल्लभ परंपरा के महाप्रभु जी, हमारे हरिवंश महाप्रभु जी ने जिस तरह राधा सुधा निधि के माध्यम से और श्री राधा जी के अपने कार्य के अपने अपने भाव माधुरी के माध्यम से हम सबके आगे जिस प्रकार भाव प्रकट किया, संतों ने श्री राधा जी का नाम उजागर कर बताया कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमादायिनी प्रेम आह्लादिनी शक्ति स्वयं श्री राधा है, स्वयं श्री राधा जी है। आइए उस कथा की ओर बढ़ते हैं जो कथा श्रवण मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से भाव कंठ अवरुद्ध हो जाता है भाव से और हृदय गदगद हो जाता है, क्योंकि कृष्ण को कृष्ण रूप में हमें दिलाने वाले, कृष्ण को वास्तविक शक्ति तथा कृष्ण को कृष्ण बनाने वाली हमारी प्रेम स्वरूपा श्री जी की यह प्रागट्य महोत्सव की कथा। जब 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 श्री राधिका जी के श्री राधा जी के इस दिव्य चरित्र का दर्शन करने का और दिव्य चरित्र का कहने का अवसर मिलता है, तो हम खुद अपने आप को कृतज्ञ अनुभव करते हैं कि इस जीवन में, इस संपूर्ण जीवन में भगवती श्री जी का नाम गाने का अवसर मिला, उनकी लीलाओं को समझने का, उनके लीला अवतार को कहने का अवसर मिला। कहते इतने चंचल है कृष्ण, इतने चंचल है कि उनकी दृष्टि एक स्थान पर बैठती नहीं, वो एक स्थान पर रहते नहीं, पर ऐसे चंचल ही मन कृष्ण, मन बिल्कुल कृष्ण के समान, इतने चंचल कृष्ण को भी अपने एकमात्र अपने केश के लट से जिन्हें जिन्होंने बांध के रखा है वो श्री राधा जी है। अभी के समय में टेलीविजन के माध्यम से लोगों के संक्षिप्त और मर्यादित बुद्धि के कारण हमारे आगे जो श्री राधा जी का चरित्र आया, वस्तुतः वह पूर्ण नहीं है और अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी कभी पूर्ण सुख नहीं दे सकता, पूर्ण अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करा सकता। जिस अमृतत्व की बात नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि वे भक्ति, जो भक्ति हमें अमृतत्व प्रदायिनी है, वो तो इन गोपांगनाओं को यथा व्रज गोपिका नाम कहते हुए सिद्ध करते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम। इसके पूर्व भी हमने कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से इस विषय को आप सबके आगे रखने का एक प्रयास किया कि ताकि इस माध्यम से हम टेलीविजन के माध्यम से हमें जो राधा दिखाई जाती है, चित्र के रूप में हमें जो राधा दिखाई जाती है, वो राधा क्या वस्तुतः वही राधा है? क्या केवल कभी गुस्सा करने वाली, कभी रूठने वाली? नहीं, वे श्री राधा जी हैं जिन्होंने इस धरती पे प्रेम का प्रादुर्भाव किया, वे श्री राधा जी हैं जिन्होंने जगत में प्रेम सिखाया, हित सिखाया। देखा जाए तो अगर प्रेम को निकाल दो तो क्या बचता है जीवन में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बिना प्रेम के वासना, बिना प्रेम के जीवन, बिना प्रेम के व्यवहार, बिना प्रेम का समस्त प्रकार का भाषण, वो ऐसा है कि मानो जीवन को रूखा सूखा कर दे। कस्य सुखम न करोति विराग, एक वैरागी भी परम प्रेम को जानता है, परम प्रेम को जानता है, इसीलिए वो वैरागी कहलाता है, क्योंकि उसने परम प्रेम को जान लिया है।
परम प्रेम को जानना ही जीवन का अंतिम सार है। क्या केवल हमारा जीवन इन छोटी छोटी इच्छाओं का, कामनाओं का और वासनाओं का, विचारों का, कुभाव का, अभाव का, केवल इन्हीं सभी बातों का हमारा जीवन साक्षी हो? नहीं, कभी हम वे शुद्ध प्रेम, वे संपूर्ण प्रेम के अधिकारी हो, और वो अगर कोई करा सकता है तो केवल और केवल हमारी प्यारी श्री जी है, श्री राधा जी है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, राधे राधे कहोगे तो चले आएंगे बिहारी, क्योंकि हरि तो है भाव को भूखो, भाव बिना सब व्यंजन सूखो। जगत में हर बात में अगर भाव जुड़ा है, प्रेम जुड़ा है, तो वो श्री जी के माध्यम से जुड़ा है। जैसे कृष्ण हम कहते हैं आकर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण को केवल कृष्ण नहीं कहते, क्योंकि आकर्षण तो कहीं भी निर्माण हो सकता है, आकर्षयति इति कृष्ण है। अच्छी व्यक्ति दिखी, आकर्षण निर्माण हो गया कि ये मुझे चाहिए। अच्छी वस्तु दिखी, ये तो मुझे चाहिए। घर में कितनी भी वस्तु हो, पर कोई वस्तु दिखाई दे और उसके प्रति आकर्षण हो जाए। भगवान विभूति योग में स्वयं कहते हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं अर्जुन को, अपनी विभूति, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, तो कहते हैं, अरे अर्जुन, जहां जहां आकर्षण है वहां वहां मैं हूं, या फिर मैं हूं इसलिए आकर्षण है। तो आकर्षण तो कहीं भी निर्माण हो सकता है, पर आकर्षण विवेक पूर्ण हो, आकर्षण विवेक के साथ जुड़ा हो, तभी वो आकर्षण फलदायी है, प्रेमदायी है। अन्यथा आकर्षण हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पर बार 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 वो भाव कुभाव सब में फिर से फंसा देता है। कुभाव से ज्यादा भाव से ज्यादा कुभाव में फंसाता है। तो इसीलिए इसीलिए कृष्ण को केवल कृष्ण नहीं कहते, कृष्ण के आगे राधा जोड़ा जाता है, राधा यानी विवेक। तो जीवन में विवेक पूर्ण आकर्षण यानी राधा कृष्ण की उपासना है। हाँ, आकर्षण हो, पर विवेक पूर्ण आकर्षण हो। विवेक पूर्ण आकर्षण की उपलब्धि श्री राधा कृष्ण की उपासना से संभव है, राधा वल्लभ उपासना से संभव है। यानी श्री जी और लाल जी को एक साथ एक रूप में जब हम पाते हैं तब संभव है। अकेले कन्हैया बड़े छलिया है, इतने छलिया है, कब छल जाए पता नहीं चलेगा। बड़ी बड़ी सुंदर बातों को दिखाकर हमें छल लेते हैं, पर हाँ, श्री जी बचाती है। इन सारे सारे प्रकार के आडंबर, सारे प्रकार के कुव्यवहार से श्री जी बचाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, मन ही चंचल मन कृष्ण, कृष्ण बिल्कुल मन और मन बिल्कुल कृष्ण के समान है। पर उन्हें भी अगर बांध के कोई रखता है, जैसे भोरी सखी जी के पद अगर आपने कभी सुने हो, पढ़े हो, इतने अद्भुत है भोरी सखी जी। वे संत हुए जिन्होंने अपने जीवन में केवल गोपी भाव से भक्ति की, और इतना ही नहीं, कहते हैं कि अपने स्थान से सूखा चना खाते निर्वाह करते, और अपने स्थान से दर्शन करने के लिए चलते राधा वल्लभ जी के, तो मार्ग में बहुत कम बार ऐसा हुआ कि मंदिर तक पहुंचते, मार्ग में ही जिस वस्तु को भी देखते, जिस स्थिति को भी देखते, उन्हें उसी में ही अपने इष्ट दिखाई देते, अपने श्री जी लाल जी के दर्शन होते। तो भोरी सखी जी के पदों को अगर कभी आपने पढ़ा हो, सुना हो, तो आपको एक बात तो निश्चित ही मिलेगी, एक बात आप जरूर प्राप्त करेंगे कि हे श्री जी, हाँ, हमारा मन चंचल है, बहुत चंचल है, पर कृष्ण से ज्यादा तो चंचल नहीं है। और आपकी मुस्कान इतनी प्यारी है कि आपके मुस्कान से आप कृष्ण को भी बांध के रख सकते हैं, आप कृष्ण को भी बांध के रखते हैं। तो हे श्री जी, हमारा मन तो इतना तो चंचल नहीं है कृष्ण के समान, तो भी फिर भी हमारा मन बहुत संतुलित है। तो अगर कृष्ण को बांध के रख सकती है, तो क्या हमारे मन को बांध के नहीं रख सकती? क्या हमारे विचार को बांध के नहीं रख सकती? आप एक कृपा की दृष्टि कर दो, एक कृपा की कोर आपकी दृष्टि की मिल जाए, तो ये जीवन पूरा सवर जाए। अपनी भाव की धाराओं से आज हम श्री जी का अभिषेक करेंगे। हाँ, करेंगे, कुछ लोग दूध से करेंगे, दही से करेंगे, घृत से करेंगे, जल से करेंगे,
आज हम इस कथा के माध्यम से अपनी भाव अवस्था से श्री जी का अभिषेक करेंगे। तो आइए, कथा ऐसी कहती है कि भगवान की आह्लाद दायिनी शक्ति श्री जी का जन्म नहीं हुआ, अजन्मा है, भक्ति भी अजन्मा है। देखिए, नवविधा भक्ति का स्वरूप जब जब वर्णन किया गया है और नवविधा भक्ति को जब जब आगे रखा है हमारे संतों ने, तब तब कहते हैं, इसके पूर्व भी हमने कभी ना कभी निवेदन किया, एक एक भक्तों ने एक एक भक्ति की। जैसे श्रवण, श्रवण भक्ति राजा परीक्षित ने की, कीर्तन भक्ति देवर्षि नारद जी महाराज ने की, सुखदेव जी महाराज ने की, स्मरण भक्त प्रहलाद जी ने किया, चरण सेवा लक्ष्मी और लक्ष्मण जी ने की, चरण सेवा लक्ष्मी और लक्ष्मण जी ने की, सख्य दो सखा कहलाए सुदामा जी तथा कृष्ण, दास्य हनुमान जी ने अपना दास्यत्व पूर्णतः अच्छे से संपन्न किया। फिर है दास्यम सख्य वंदनम, वंदना की उद्धव जी ने, अर्चना की पृथु राजा ने, और आत्मनिवेदन किया राजा बलि ने। इन नौ भक्तियों को नौ अलग अलग भक्तों ने किया, पर इन नौ भक्तियों को एकत्रित अगर किसी ने किया हो तो वो गोपिकाओं ने किया, वो श्री जी ने किया। वो गोपिका स्वयं इन नौ विधा भक्ति का एकत्र स्वरूप है। वे चरण सेवा भी करती, वो दास्य सेवा भी करती, वो सख्य सेवा भी करती, वो सखी भी कहलाई, वे श्रवण भी करती, श्रवण मंगलम भूरि दाह जना। आपके कथा का हम नित्य श्रवण करते, ऐसे एक स्थान पर गोपी गीत में भी कहा है, और श्रवण किया, कीर्तन किया, वंदन किया, अंत तो गत्वा आत्मनिवेदन कर गोपिकाएं श्री कृष्ण में मिल गई, कृष्णमय हो गई। और इन्हीं गोपिकाओं के इस पूरे जीवन की ओर अगर हम देखेंगे तो श्री जी, जैसे प्रेम अगर एक कली के समान है तो उसका परिपक्व जो रूप है फूल, वो फूल भक्ति के समान है, और भक्ति स्वरूपा स्वयं श्री जी है। इसके पूर्व जब जब मैं श्री जी का नाम, श्री राधा जी का नाम लेती थी, पता नहीं कण कण से भाव विभोर हो जाती थी, कण कण रोमांचित हो जाता था। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं ना कि रोमांच जीवाना आनंदाश्रु नेत्री अष्टांग ही गात्री नाम तुझे, रोमांच जीवाना आनंदाश्रु नेत्री अष्टांग ही गात्री नाम तुझे। अष्टांग ही गात्री यानी अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो जाते हैं केवल केवल और केवल श्री जी के नाम स्मरण मात्र से। आपका नाम आठवीता सदगति तकंठी प्रेम वाढ़ो पोटी, ये भाव अनायास ही प्राप्त हो जाते। कोई बहुत भक्त तप करते हैं, भक्त भक्ति करते हैं, तपी तप करते हैं, योगी योग करते हैं, तब जाके जो अवस्था प्राप्त हो जाती है वो तो केवल आपके नाम के स्मरण मात्र से, आपके कृपा के स्मरण मात्र से वो जीवों को प्राप्त हो जाता है। श्री जी आप बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो कहते हैं कि भगवान की यह आह्लादिनी शक्ति प्रकट हुई हमेशा, जहाँ रावल क्षेत्र में वृषभानु तथा कीर्तिदा, कितना सुंदर है देखिए, यशोदा और कीर्तिदा, यशोदा भगवान की माता जी का नाम और कीर्तिदा श्री जी के माता जी का नाम, कीर्तिदा और यशोदा, एक है यश देने वाली, दूसरी है कीर्ति देने वाली। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है, जो देने वाले होते हैं उन्हीं के घर में ईश्वरीय तत्व आते हैं। बहुत तप किया अपने पूर्व जन्म में भी, ये एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मी आम्ही बहु पुण्य के लिए तेव्हाया विठ्ठले कृपा के लिए, जन्म जन्मांतर से तप किया वृषभानु ने और कीर्तिदा जी ने, तभी जाके कभी उनके घर में स्वयं प्रेम मूर्ति प्रकट हुई। जब वृषभानु जी प्रातः काल के समय प्रतिदिन रावल के पास ही, रावल ग्राम के पास ही, रावल ग्राम था वहाँ पास ही जमुना जी बहती थी, जमुना जी में स्नान करने प्रतिदिन जब वृषभानु बाबा जाते, आज का वह दिन, कन्या नहीं, न पुत्र न संतान है, भाव विभोर होकर जब
वृषभानु बाबा सूर्य को अर्घला देकर प्रणाम कर जमुना जी से स्नान कर चले तो उन्होंने क्या देखा, एक दैदीप्यमान स्वर्ण कमल जिसकी ओर दृष्टि भी अगर जाए तो दृष्टि भी झुक जाए, इतना सूर्य से भी प्रखर तेज उस स्वर्ण कमल का। भानु बाबा उस ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि इतना ही नहीं, स्वयं ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि हे भानु बाबा, आप बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपकी गत जन्म 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 की तपश्चर्या फलीभूत हुई है इस जगत को प्रेम सिखाने वाली, इस जगत को स्वयं प्रेम प्रसाद प्रदान करने वाली श्री गोधाम निवासी, गोलोक निवासी श्री जी राधा जी आपकी यहाँ प्रकट हुई है। आप इनका सामान्य कन्या के तरह ही पालन करी है, पर ये सामान्य नहीं है यह जानकर। और तब नन्ही सी कन्या का प्रादुर्भाव, नन्ही सी कन्या की प्राप्ति वृषभानु बाबा को उस कमल पुष्प पे हुई। ये भाव ऐसा है, ये अद्भुत भाव ऐसा है कि जब जब इस भाव का स्मरण करती हूँ तब तब मुझे एक घटना याद आती है कि हम कुछ दिन पूर्व उसके पहले भी हम कितने बार वृंदावन गए, पर उस दिन जमुना जी को हमें निश्चित ही प्रसाद देना था। और जब हम जमुना जी के तट पर खड़े थे बंसीवट में, और हमारे साथ 400 से भी अधिक नागपुर से चले हुए सब अभिभावक, जब हमने चलत यात्रा चलत सुमिरन कथा का आनंद लिया और जब हम जमुना जी की ओर देख रहे थे तो कितने सारे भक्तों ने देखा कि दो कमल पुष्प बहते हुए ऐसा भाव प्रदान कर रहे हो मानो कि आपके जीवन में श्री जी और लाल जी की कृपा आशीर्वाद का ये परिणाम है कि आज आपको ये भक्ति और वृंदावन धाम के दर्शन हुए। धन्य धन्य व्रजवासी बड़भाग जिनके लिए सहज अनुराग, और हम कहते हैं ना वृंदावन धाम तो ऐसे ही अद्भुत स्थान है। जरा चल के वृंदावन तो देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूल रही होंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। और जैसे ही वो कमल पुष्प की ओर हमने देखा तो हमें यही प्रसंग का स्मरण हुआ, वृषभानु बाबा भी उस कमल पुष्प की ओर बढ़े। उस कमल इतने अद्भुत स्वर्ण कमल पर सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर छोटा सा रूप धारण किए वो श्री जी का अद्भुत स्वरूप, अद्भुत विग्रह प्राप्त किया और वृषभानु जी अपने घर अपने स्थान पर ले आए। जब ले आए तो सभी और ये वार्ता पहुंच गई कि पता है वृषभानु जी के यहाँ लाली आई है, लाली भई है, लाली भई है। सबने बड़े भाव से जय जयकार करते हुए, पर आश्चर्य इस बात का कि कन्या आंखें ही नहीं खोल रही, आंखें मूंद के बैठी है। पर जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण बोलो। आंखें मूंद के बैठी है और सबने बधाई गाई, सबने जय जयकार किया। नंदीश्वर पे खबर पड़ी है, नंदीश्वर पे खबर पड़ी है, बरसाने की शुभ घड़ी है, भानु बाबा ने संपत लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाई। जय हो। भानु बाबा ने संपत्ति लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाई, नंदीश्वर पे खबर पड़ी है, बरसाने की शुभ घड़ी है, भानु बाबा ने संपत्ति लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाई। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। और इसके पश्चात जब
आश्चर्य की बात है, अचरज की बात, अभी तक कन्या ने आंखें नहीं खोली, नेत्र मूंद के बैठी है। देखिए राधा अष्टमी पहले आती है, फिर कृष्ण जन्माष्टमी है, 11 महीने के बाद, 11 महीने माह के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और तब तक श्री जी ने अपने नेत्र बंद ही रखे। उनका एक ही संकल्प था कि देखूंगी तो सबसे पहले कृष्ण को ही देखूंगी, अपने प्रेम को ही देखूंगी। अपना प्रेम, हमारा प्रेम श्री कृष्ण है, पर वो देने वाली, वे लुटाने वाली, वो बरसाने वाली हमारी श्री जी है। बरसाना कैसे आए, इसकी भी एक कथा है। कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और नंदोत्सव मनाया जा रहा था, तो सब और नियोता भेजा गया, रावल भी, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी संपत्ति वृषभानु बाबा जी के पास थी, और सबने आमंत्रित किया। और वृषभानु बाबा नंद बाबा के बड़े अच्छे मित्र, तो वृषभानु बाबा अपनी लाली को लेकर, जो जन्मतः अपने नेत्रों को मूंद के बैठी है, बंद करके बैठी है, अपनी लाली को लेकर चले। लाली को लेकर जब आए तो नंदोत्सव मनाया जा रहा था, सब गा रहे थे जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और इस बीच छोटी सी नन्ही सी श्री राधिका जी को जब भूमि पे रखा गया, तो वो खुद अपने छोटे से कदमों से रेंगती दौड़ती दौड़ती गई। और जब भगवान स्वयं करवट लेकर श्री जी की ओर देखा, भगवान ने जैसे श्री जी की ओर देखा, श्री जी ने अपने नेत्र खोले और अपने नेत्र खोलकर सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखा। श्री जी बड़ी है, इसलिए प्रेम वैसे भी बड़ा है, भक्ति भगवान खुद कर कहते हैं, मोते अधिक राम कर लिक, मुझसे भी अधिक अगर कोई बड़े हैं तो वे मेरे भक्त हैं। भक्ति एकमात्र भक्ति ऐसी है जहाँ भगवान खुद शबरी से भी कहते हैं ना, मान हूँ एक भगति कर नाता, मैं केवल एक नाता मानता हूँ और वह है भक्ति का नाता। श्री जी स्वयं लाल जी को प्रदान करने वाली, जब उन्होंने नेत्र खोले और लाल जी की ओर देखा, तो सबने जय जयकार किया। वृषभानु बाबा ने भी बहुत संपत्ति लुटाई कि आपके लाला के द्वारा हमारी श्री जी, हमारी लाल जी ने, हमारी लाली ने नेत्र खोले हैं। तो सबने आनंद मनाया, एक दूसरे को बधाई दी, बधाई बांटी है, बधाई गाई है। तो हम सब ने आज इस महामहोत्सव को सुना, भगवान श्री कृष्ण की नटखट लीलाएं, कंस ने बार बार उन्हें मारने की जो प्रयत्न किए, उसके पश्चात गोकुल धाम से वहाँ वृंदावन नगरी में जाके, जैसे गोकुल धाम में विराजमान हुए, एक पर्वत पर विराजमान हुए, पूरा का पूरा गोकुल वहाँ निवास किया, वैसे ही यहाँ से रावल पिंड से सब निकलकर, रावल से निकलकर एक बड़ा सा सुंदर पर्वत, जहाँ ब्रह्मा जी ने खुद आशीर्वाद दिया था कि ये बड़ा मजबूत पर्वत है, इस पर्वत पर वृषभानु बाबा ने निवास किया, और वह पर्वत आगे चल के बरसाना कहलाया। श्री राधा जी का वह स्थान श्री बरसाना में आज भी है, आज बहुत अद्भुत स्वरूप से सब लोग मनाते हैं महामहोत्सव, श्री जी के जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो आइए राधे राधे गाते हुए इस महामहोत्सव को आप भी अपने घर मनाएं, सब मिलके श्री जी का अभिषेक करें, भाव से अभिषेक करें, पूजन करें, राधे राधे गाएं, नाम गाएं। श्री जी के तो नाम स्मरण मात्र से ही समस्त संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, और सबसे बड़ी संपत्ति तो खुद गोविंद है, आनंद रूपी गोविंद है, तो वो प्राप्ति हो जाती है। तो सब मिलके गाइए। कृष्ण के रंग में रंगी है राधा, ऐसी रस रचाई जो, कृष्ण के रंग में रंगी है राधा, ऐसी रस रचाई जो,
मगन हुए सब गोप गोपिया, मगन हुए सब गोप गोपिया, उन्हें संग खेल खिलाई जो कृष्ण के रंग में रंगी है राधा। मुरलीधरा गोपाला यशोदा नंदलाला, मुरलीधरा गोपाला यशोदा नंदलाला, नाचन लागे वृंदावन माला खेलन लागे वृंदावन माला, मुरलीधरा गोपाला यशोदा नंदलाला। जन लगी लगी वृंदावन बाला खेलन लगी वृंदावन बाला, नाचन लगी लगी वृंदावन बाला खेलन लगी वृंदावन बाला, मुरलीधर गोपाल यशोदानंद दादा, मगन हुए सब गोप गोप, मगन हुए सब गोप गोपिया, उन संग खेल खिलाई जो कृष्ण के रंग में रंगी है राधा। मुरलीधर गोपाल यशोदानंद लाला, मुरलीधर गोपाल यशोदानंद लाला, नाचन लगे वृंदावन बाला खेलन लगे वृंदावन बाला, नाचन लगे लगे वृंदावन बाला।